हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी प्यारे बच्चों को आर के सिंह का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक में अगला लेक्चर जो देखने जा रहे हैं, इस लेक्चर में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्योंकि हम लोग अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई भी हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा उसको हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कहीं पर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल सकते हैं, कहीं पर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड मिल सकते हैं, कहीं पर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से तो अधिक हो नहीं सकता है। तो उनमें से किसको हम लोग सिग्मा के नाम से जाने, किसको हम लोग पाई के नाम से जाने। ओके, हम लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, वो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ लेते, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ लेते, ओवरलैपिंग नहीं पढ़ लेते, तब तक हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में विशेष जानकारी नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम लोग चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक काम, अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि हाँ सिग्मा बॉन्ड कौन है और कौन पाई बॉन्ड है, उसको पहचाने की हम लोग क्या करेंगे, आदत डालेंगे। तो चलो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, आ जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए खास करके इम्पोर्टेंस हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना इम्पोर्टेंस 11th के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंस 12th वाले बच्चों के लिए भी है। इसलिए दोनों ही प्रकार के जो बच्चे हैं, 11th बिलोंग्स टू 12th, दोनों क्या करें, पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उसको स्टडी करें। क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेप में हैं। अगर कारवां आगे बढ़ जाएंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए शुरुआती सारे वीडियोस को देखने की आदत डालें। और अगर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके क्या करें, सीधे आप प्लेलिस्ट में घुस जाएं। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको पूरी तरह से सिलसिलेवार में डाला हुआ है, स्टेप टू स्टेप डाला हुआ है। पहला लेक्चर का, दूसरा लेक्चर का, तीसरा लेक्चर का, चौथा लेक्चर का, सारा वीडियो उसमें डाला हुआ है। ओके बाबू, चलो हम लोग यहाँ पर आज शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बाबू, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को इस प्रकार से पाई से हम लोग दिखाते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। देखो जैसे मैं CH4 की बात करूं, जैसे मैं C2H2 की बात करूं, C2H4 की बात करूं, जैसे मैं C2H2 की बात करूं, ओके बाबू, तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीख लिए थे। कैसे? इसके लिए आपको बॉन्ड को मैंने एक डाटा बनाकर पेश कर दिया था कि उसी उसके सारे बॉन्ड को आप रट जाओ, कितने कौन से बॉन्ड बनाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या रटा था कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाती है, कोई लोन पेयर नहीं रखता है। कार्बन चार बॉन्ड बनाती है, कोई लोन पेयर नहीं रखता है। नाइट्रोजन ऑलवेज 3 बॉन्ड बनाएंगे, एक लोन पेयर रखेगी, ओके बाबू। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाएंगे और 2 लोन पेयर रखेंगे। उसी प्रकार से हेलोजन फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो सारे सारे क्या सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, सॉरी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और वो कितने 3 लोन पेयर को कंटेन करेगा। इतना तो मैंने बताया था। ठीक है, जैसे देखो इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं,
तो हम लोग कर दें स्ट्रक्चर ड्रॉ। इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। ओके बाबू, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन के साथ मैंने जोड़ा और हाइड्रोजन का मैंने बंटवारा कर दिया, चार हाइड्रोजन है तो दोनों कार्बन के साथ दो दो मैंने कर दिया। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं बाबू? चार बॉन्ड बनाते हैं, दो बॉन्ड बना चुकी है तो देखो मैंने बगल वाला से जोड़ दिया। अब इसकी भी चार बॉन्ड, इसके भी चार बॉन्ड, ठीक। इसमें आ जाओ, एक कार्बन है दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन का बंटवारा कर दो, मैं भी एक ले लिया, आप भी एक ले लो। अब कार्बन चार बॉन्ड बनाती है ना, एक बॉन्ड बनाइए, तीन बॉन्ड इसके बीच बना दो। अब देखो इसके भी चार बॉन्ड, इसके भी चार बॉन्ड, ठीक है। और मैंने कहा था किसी भी दो एटम के बीच तीन से अधिक बॉन्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने इसका आपको कैलकुलेशन भी दिया था, क्योंकि एक्सिस तीन होते हैं और तीन ही एक्सिस पर ऑर्बिटल आ सकते हैं। इधर से तीन एक्सिस वाला और इधर से तीन एक्सिस वाला जब आकर ओवरलैप करेंगे तो तीन ही एक्सिस पर जाकर बॉन्ड बन सकता है, और जब तीन एक्सिस पर बॉन्ड बनेंगे तो फिर तीन ही बॉन्ड हो सकते हैं दो एटम के बीच, उससे अधिक बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो देखो बाबू, तो यहाँ पे अब हम लोग दो एटम के बीच में एक से अधिक, तीन से अधिक बॉन्ड नहीं हो सकता है। अब मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड पर थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देने को, सॉरी थोड़ा सा ट्रिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ भी दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड दिखे तो उनमें से वो बॉन्ड ऑलवेज क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होगा। देखो ऑलवेज सॉरी, उनमें से वो बॉन्ड क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इनमें से ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ये कैसा होगा? सिग्मा होगा। इसका मतलब ये हुआ CH4 में सिग्मा जो बॉन्ड होंगे बाबू वो कितना होगा आपके पास? चार होगा, है ना। मैं फिर से बोल दूँ, यदि दो एटम के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखे तो उन सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड ट्रीट किया जाता है, माना जाता है। हालांकि वो सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, हम लोग अभी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। यदि दो एटम के बीच, ध्यान से रहे बाबू, यदि दो एटम के बीच एक से अधिक बॉन्ड हो, उनमें से एक बॉन्ड अवश्य ही सिग्मा होंगे और बाकी बॉन्ड क्या होंगे? पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। उनमें से एक बॉन्ड अवश्य सिग्मा होंगे और रेस्ट जो बॉन्ड होगा क्या होगा बाबू? पाई बॉन्ड होगा। जैसे इसमें आ जाओ, इस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, दो एटम के बीच एक से अधिक बॉन्ड है, उनमें से एक बॉन्ड अवश्य सिग्मा होंगे, अरेस्ट क्या होगा? पाई होगा। तो दो एटम के बीच दो ही बॉन्ड है ना, उनमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा, है ना। तो ये सब क्या होगा? ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा। तो यहाँ पे आपके जो ये मॉलिक्यूल हैं, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके बाबू, यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितना मिल गया? अगर मैं इस मॉलिक्यूल में बात करूँ, टोटल सिग्मा कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, आपके पास 5 सिग्मा है। और पाई बॉन्ड कितने मिलेंगे बाबू? पाई बॉन्ड वो आपके पास मात्र एक पाई बॉन्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें आ जाओ, अगर दो एटम के बीच एक से अधिक बॉन्ड हो, ओके बाबू, तो उनमें से एक बॉन्ड अवश्य सिग्मा होंगे और रेस्ट बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। जैसे देखो, अगर ये सिग्मा बॉन्ड इनमें से मानते हो तो इनमें से ये बॉन्ड क्या होंगे? पाई होगा। ये क्या होंगे? पाई होगा, ठीक है। अब ये क्या सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना मिला? 1, 2, 3, 3 सिग्मा बॉन्ड आपके पास कैलकुलेट करके आ रहा है। पाई बॉन्ड कितना मिले बाबू? 2। पाई बॉन्ड कितने मिले आपके पास? 2 मिले, है ना। उसी प्रकार से हम कुछ मॉलिक्यूल को आपके पास क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, उनमें से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे देखो, CH3OH, ओके। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड आप तभी अभी
बिगनिंग में, तभी कैलकुलेट कर पाओगे। बिगनिंग मतलब अभी जब आपको नहीं आता कैलकुलेट करने के लिए, तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब तक हम लोग उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ ना कर लें। तो चलो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन है, कार्बन चार बॉन्ड बनाती है, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं बाबू, ये सब लोग बात कर चुके हैं। उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ो, उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ो, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाती है, दो लोन पे रखती है। तो इनमें से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, सिग्मा बॉन्ड कितने, चूँकि सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहा है, ओके, एक दो तीन चार पाँच, तो कितने बाबू, फाइव। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड मिला क्या, यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको नज़र आया क्या, नहीं आया। लॉन पेयर कितना आएगा, लॉन पेयर हम लोग देख चुके हैं नहीं क्या, जो कि ऑक्सीजन के पास दिखेगा वो कितना बाबू, टू। ध्यान रहे आपको लॉन पेयर रिप्रेजेंट करके नहीं देगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर है ना, अगर ऐसा ना भी लिखा हो तो हम लोग जानेंगे कि उसके पास कितने लॉन पेयर है बाबू, दो लॉन पेयर हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाती है, दो लॉन पेयर रखती है, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉन पेयर नहीं भी लिखा हो तो आपको मानना है कि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर है, क्यों, क्योंकि ये दो लॉन पेयर रखती है, इस प्रकार से ओके। जैसे एसिटिक एसिड हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, हम लोगों को इस मॉलिक्यूल में काउंट करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर फाउंड इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में दैट मीन्स एसिटिक एसिड में टोटल कितने सिग्मा, टोटल कितने पाई, टोटल कितने लोन पेयर मिलेंगे। देखो बाबू, कार्बन है, सेटिस्फाइड करते चलो, कार्बन चार बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाती है, ठीक है, मैंने कर दिया। अब ये कार्बन है, इस कार्बन को जोड़ो, इसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़ा है, इस प्रकार से बात बनाओ कि ऑक्सीजन का दो बॉन्ड हो जाए और कार्बन का चार बॉन्ड हो जाए, नहीं क्या। मैंने इसको भी जोड़ दिया, देखो ये कार्बन ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड जोड़ दिया मैंने, ये ऑक्सीजन है, इसका भी दो बॉन्ड होने जा रहा है, और इसके साथ मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसके जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर को लगा दो, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड बनाते हैं। अब इसके सारे बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो आप अगर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर को कैलकुलेट कर लेते हो तो हम लोग उसका हाइब्रिडेशन बड़ी आराम से निकाल लेंगे। हालांकि हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग अभी से आदत डालें कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर को कैलकुलेट करते चले, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में टोटल जो हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड आपको कितने नज़र आएंगे, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो तीन, देखो सिग्मा बॉन्ड सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, इनमें से एक सिग्मा और एक पाई, क्यों, क्योंकि दो एटम के बीच एक से अधिक बॉन्ड है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए, तीन चार पाँच छः सात सेवन हो गए, और पाई बॉन्ड कितने हो गए बाबू, पाई बॉन्ड आपके पास मात्र एक नज़र आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि एसिटिक एसिड में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने पाए जाती है, सेवन, टोटल पाई बॉन्ड कितने पाए जाते हैं, एक। अगर पूछ दे बाबू लॉन पेयर कितने पाए जाती है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का वह पेयर जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेती है, तो कितने हो गए यहाँ पे दो, एक एक दो, एक तीन एक चार, तो टोटल लॉन पेयर कितने हो गए बाबू, चार, नहीं क्या। अच्छा अगला हम लोग देखें, देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। मुझे इस मॉलिक्यूल में काउंट करना है कि टोटल सिग्मा और टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो क्या करो, इसके जो स्ट्रक्चर क्या करो, एक्सपेंड कर दो, फैला दो। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बन है, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन को जोड़ के देखो, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड बना हुआ है, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कहीं भी लगा दो, ठीक है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनानी है, ये मैंने बॉन्ड को दिखाया, फिर मैंने ये हाइड्रोजन को लिया, सॉरी कार्बन को लिया, और उसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ओके, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या मैंने हाइड्रोजन को, ओके बाबू, बस याद रखना है
इस प्रकार से मुझे स्ट्रक्चर को दिखाना कि सबकी बॉन्डिंग सेटिस्फाइड हो जाए, कार्बन चार बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना ले, अगर ऑक्सीजन रहे तो वहाँ दो बॉन्ड बना ले, अगर नाइट्रोजन रहे तो तीन बॉन्ड बना ले, है ना, अगर हेलोजन रहे तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना ले, इन सारे बातों को सेटिस्फाइड कर दो, उसका स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। जैसे देखो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड में अगर काउंट करूँ, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा होंगे और दो एटम के बीच एक से अधिक बॉन्ड मिले तो उनमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, तो देखो सिग्मा सिग्मा इनमें से एक सिग्मा एक पाई, ओके बाबू, इनमें से एक सिग्मा और एक पाई, तो टोटल सिग्मा को गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने मिलेंगे आपके पास, 10 मिलेंगे। टोटल पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कितना मिलेगा, आप एक दो ही मिलेंगे, ओके बाबू। लोन पेयर, मैं लोन पेयर को सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लोन पेयर एल पी, लोन पेयर, लोन पेयर टोटल कितने मिलेंगे, टोटल लोन पेयर कितने मिलेंगे, क्योंकि कार्बन तो कभी लोन पेयर रखता नहीं है, हाइड्रोजन भी कभी लोन पेयर रखता नहीं है, तो इनमें से इंटायर मॉलिक्यूल में, टोटल मॉलिक्यूल में कहीं भी आपको लोन पेयर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये CH3CO CH3, ये एसीटोन है, हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में सबको पढ़ेंगे बाबू, एसीटोन है। हालांकि क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, एसीटोन में कितने सिग्मा कितने पाई कितने लोन पेयर पाए जाते हैं, तो आप क्या करो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, कार्बन है एक, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बन है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन आपको जुड़े हुए हैं, फिर इसके क्या कि अपने पड़ोस के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या है बाबू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर इधर देखो ये कार्बन है, देखो सबकी बातें बन गई, सबकी बातें मतलब जितने एलिमेंट थे वो सब अपना बॉन्ड को सेटिस्फाइड कर लिया है ना। अब इनमें से देखो कार्बन है इधर चार बॉन्ड बना चुका है, ऑक्सीजन है दो बॉन्ड बना चुका है, अगर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगी तो दो लोन पर रखेंगे, है ना, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कितने हो गए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से, काउंटिंग कर लो, एक दो तीन चार, इसमें एक नहीं क्या बाबू, इस दोनों में से एक, एक दो तीन चार, इनमें एक, पाँच छः सात आठ नौ, टोटल सिग्मा बॉन्ड 9, और टोटल पाई बॉन्ड इसमें कितने मिलेंगे, टोटल पाई बॉन्ड आपको एक ही दिख रहा होगा यहाँ पर है, और टोटल लोन पेयर कितने मिलेंगे बाबू, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का वह पेयर जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेती है, तो टोटल लोन पेयर का कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, मात्र दो मिलेगा। जैसे जैसे आप घर में क्या करोगे, एक डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल मिलेंगे उसको काउंट करना है, C6H6 जिसको हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बेंजीन, बेंजीन में कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे और कितने पाई बॉन्ड मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके बाबू। तो बेंजीन का तो स्ट्रक्चर सब जानते हैं, कार्बन ये इस प्रकार से, ओके बाबू, और इसमें क्या होते हैं मैंने बताया था, एरोमेटिक कंपाउंड होती है, और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होते हैं, अल्टरनेट में पाई बॉन्ड होती है, ठीक है, तो देखो छः हाइड्रोजन छः कार्बन तो जुड़ चुका है, अब इस छः कार्बन में छः हाइड्रोजन को जोड़ दो, देखो चार बॉन्ड बना लिया आप, ठीक है, यहाँ पे देखो तीन बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, यहाँ पे देखो कार्बन तीन बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, यहाँ भी देखो, ओके बाबू, यहाँ भी देखो चार तीन बॉन्ड बनाया है, मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, चार हो गया, तीन बॉन्ड चार हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन बेंजीन ये जो है इसी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसी को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, जो मैंने कहा था कि प्रत्येक झुकाव पर कार्बन होती है, प्रत्येक छोर पर और प्रत्येक झुकाव पर कौन होते हैं, कार्बन होते हैं, इनमें से जो यहां से मैं लेकर चलूं, ओके बाबू, तो देखो ये कार्बन है, 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 कार्बन, प्रत्येक झुकाव पर कार्बन होते हैं, ओके,
और दो कार्बन के बीच क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को मैंने यहाँ पे दिखा दिया इस प्रकार से, पाई बॉन्ड को मैंने दिखा दिया इस प्रकार, है ना। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है वही यहाँ स्ट्रक्चर है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, चार बॉन्ड बनाते हैं। और मैंने कहा था अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं भी दिखाया गया तो आपको मानना है कि वहाँ पे हाइड्रोजन है। क्यों? कि वहाँ पे मैंने ट्रिक दिया था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पेयर का रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, ट्रिक मैंने दिया था, नहीं क्या। तो देखो बाबू, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब बोलोगे सर यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे तीन ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं। अरे तीन बॉन्ड में से एक बॉन्ड अब हाइड्रोजन को दिखा दो ना, ठीक है। देखो बाबू, इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं बेंजीन को। जब हम लोग रेजोनांस पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे कि बेंजीन या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, है ना, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उसमें पाई बॉन्ड क्या होता है, उसके रिंग में घूमते रहती है। कैसे घूमती है, हम लोग रेजोनांस से वहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये देखो, जो बेंजीन है, चाहे कहो ये कहो या ये, अभी मैं इसमें कुछ नहीं बोला हूँ, इनमें जो पाई बॉन्ड है अभी यहाँ है, कभी यहाँ आ जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है कभी यहाँ आ जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है कभी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब पूरे रिंग में क्या होती है, वो सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस पाई बॉन्ड को पकड़ के क्या करूँ, इस प्रकार से घुमा दो। ओके बाबू, ये जो पाई बॉन्ड है, चाहे ये हो ये हो, पूरे रिंग में घूमते रहते घूमते रहते हैं। अभी इस प्रकार से घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और घूमेंगे उसको हम लोग क्या करें, इस प्रकार से सर्किल में घुमा दिखा देंगे। दैट मीन्स बेंजीन में इस प्रकार से गोल दिखाता है ना, वो शौक से नहीं दिखाते हैं, कोई छेद नहीं होता है, वो क्या होता है, घूमने वाले पाईबॉन्ड को दिखाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो, पाईबॉन्ड घूम रहा है, इसका मतलब ये जो रिंग के रूप में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कितने, एक पाईबॉन्ड, दो पाईबॉन्ड, तीन पाईबॉन्ड जो है, ये तीनों पाईबॉन्ड उस रिंग में है आपके पास, ठीक है। मैं फिर से कर दूँ, ये पाई बॉन्ड है, कभी यहाँ 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 यहाँ, उसी प्रकार से यहाँ यहाँ यहाँ, उसी प्रकार से यहाँ यहाँ, तो घूमते रहेंगे। तो घूमने वाले स्ट्रक्चर को इस प्रकार गोल दिखा दिया, गोल दिखा दिया, इसका मतलब ये वाला जो रिंग है वो किसको दिखाएगी, पाई बॉन्ड को। और इसमें कितने पाई बॉन्ड है बाबू, एक दो तीन है, यहाँ भी तीन है, तो यहाँ भी ये तीन पाई बॉन्ड आपको मानना पड़ेगा। तो बेंजीन का चाहिए स्ट्रक्चर हो या स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तीनों क्या है, बेंजीन है। बेंजीन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, बेंजीन का एक और नाम है एरीन। ओके बाबू, क्या है एरीन, जो बेंजीन है, बेंजीन को हम लोग एरीन भी बोलते हैं, एरीन, है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फाउंड इन बेंजीन रिंग। और लोन पेयर की बात करो, लोन पेयर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बेंजीन किससे बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के पास कभी लोन पेयर होता नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर को देख लूँ, देख लिया, तो अब सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, टोटल सिग्मा बॉन्ड। एक क्वेश्चन पूछा आपके पास, बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड होता है, वो काउंट करना शुरू कर दो। चलो मैंने यहाँ से काउंट करना शुरू किया, प्रत्येक सिंगल को गिन लो, अगर दो एटम के बीच हैं, दो बॉन्ड हैं, या तो उनमें से एक सिग्मा एक पाई होगा, इसमें आ जाओ, एक बॉन्ड इसमें हो गया सिग्मा, एक सिग्मा, दो तीन चार पाँच, इनमें से छः सात आठ नौ, इनमें से दस ग्यारह बारह, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने मिले बाबू, 12 मिला। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बोलेंगे, और दो एटम के बीच एक से अधिक बॉन्ड हो तो उनमें से एक सिग्मा जरूर होगा, बाकी क्या होंगे, पाए होंगे। तो इनमें से एक सिग्मा, इस दोनों में से एक सिग्मा एक पाए, इनमें से एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इस दोनों में से एक सिग्मा एक पाए, इनमें से एक सिग्मा सिग्मा, इस दोनों में से एक सिग्मा एक पाए, एक सिग्मा, इस दो इनमें से एक सिग्मा, तो टोटल काउंट करो कितना मिलेगा, 12 मिलेंगे। तो पाई बॉन्ड कितने मिलेंगे, आपको दिख भी रहा होगा मात्र तीन पाई बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन रिंग में, बेंजीन के मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा कितने मिलेंगे, 12, टोटल पाई कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। कोई लोन पेयर यहाँ पर नहीं मिलेगा, जैसे मैं कह दूँ लॉन पेयर आपके पास नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो एक दो मॉलिक्यूल और देखते हैं, जैसे जैसे C6H5 बेंजीन होता बाबू,
तो बेंजीन में सी सिक्स एस सिक्स होता, सी सिक्स एस सिक्स होता, उनमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लिया और निकाल कर क्या किया, वहाँ पर मैंने सी एच थ्री को जोड़ दिया। ठीक है, सी एच थ्री को मैंने जोड़ दिया। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ, सी सिक्स एच फाइव, बेंजीन पहले बना लो, आप पहले बेंजीन बना लो। ओके, मैंने बेंजीन बना लिया। अब बेंजीन में से सभी जगह हाइड्रोजन है, सभी जगह हाइड्रोजन है, चलो बेंजीन को मैंने बना लिया। ओके बाबू, बेंजीन में सभी जगह हाइड्रोजन है, सभी जगह हाइड्रोजन है, मैं फिर से तो कहीं से बता रहा हूँ, सी सिक्स एच सिक्स बेंजीन होता, या फिर सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री है, सी सिक्स एच फाइव मतलब एक हाइड्रोजन को निकाल लिया और उनमें सी एच थ्री को मैंने जोड़ दिया। तो ये बेंजीन जो है सभी जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन को निकालो और उस हाइड्रोजन को निकाल कर क्या करो, वहाँ पे सी एच थ्री को आप जोड़ दो। ओके बाबू, है ना। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहा हूँ इस प्रकार से। आप ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, छोड़ो क्यों दिखाओगे, ऐसे यहाँ पर नहीं क्या, ऐसे बाबू। ठीक, अब मैं क्वेश्चन को, हालांकि इस मॉलिक्यूल का नाम है टॉल्यून, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, TOLUEN टॉल्यून, TOLUEN टॉल्यून, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है टॉल्यून में कितने सिग्मा और कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था ये, जितने भी आपके पास ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, तो अब आप क्या करो, इनमें से सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट कर लो। तो हमने देखा था कि बेंजीन के इतने बड़े जो मॉलिक्यूल थे, बेंजीन के इतने बड़े मॉलिक्यूल थे, इनमें से कितना सिग्मा था बाबू, 12 था। तो देखो इतना बड़ा मॉलिक्यूल में से, इतना बड़ा मॉलिक्यूल में से टोटल सिग्मा कितने थे, 12 थे। तो इतना बड़ा जो मॉलिक्यूल अभी भी है ना, इतना बड़ा मॉलिक्यूल चेंज कहाँ पर, ऊपर पर चेंज हुआ है ना, चेंज तो सिर्फ ऊपर पे हुआ है। तो इनमें से टोटल सिग्मा कितना रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बराबर, तो इनमें से तो 12 हो गया, इतना में से तो 12 हो गया। ओके, 12 सिग्मा था और ऊपर में देखो तीन और बढ़ गया, तो 12 तीन कितना हो गया, 15, कितना हो गया बाबू, 15 हो गया। तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, 12, पाई बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड आपके पास मात्र तीन मिल रहा होगा। ओके, है ना। जैसे अगर ये क्वेश्चन कर दे, C6H5OH, ओके बाबू, ये फिनॉल, क्या ये फिनॉल, हम लोग सब डिस्कशन करेंगे फिनॉल। देखो C6H6 होता तो बेंजीन होता, उस H6 में से एक को निकाल दिया और OH को जोड़ दिया। तो अब क्या करो, आप फट से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। चलो मैंने बेंजीन वाला अंतर वाला किया, उनमें से एक हाइड्रोजन को हटाया, कहीं से हटा सकते हो, यहाँ से कहीं हटा सकते हो, और उनमें से क्या किया, एक ओ एच को लगा दिया, ओ एच, ओ एच, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन कितने, एक बॉन्ड बनाएगी, और उनमें से लोन पेयर कितने मिलेंगे ऑक्सीजन के पास, दो होते हैं बाबू। चलो अब इसके में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर को मैं काउंट कर रहा हूँ, इनमें से कितने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बराबर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था यहाँ तक, जिनमें से कितने 12 आ रहा था और 12 में से दो और बढ़ गया, एक और बढ़ गया ऊपर में, है ना बाबू, ऊपर में आपको एक और बढ़ गया, तो टोटल कितने होंगे, 13 सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड में तो चेंजिंग हुआ नहीं है, पाई बॉन्ड मध्य में ये गोल वाला है ना, वो कितने हैं आपके पास, 3 है। लोन पेयर कितने मिले हमारे पास, लोन पेयर आपके पास 2 मिले। जल्दी से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करें, हम लोग देखे थे पिछले क्लास में जब हम लोग क्लासिफिकेशन बुक कर रहे थे, इस प्रकार से आपको कोई कंपाउंड दिया गया था जिसका नाम नेप्थलीन था। ओके बाबू, नेप्थलीन था। ठीक है, क्वेश्चन कर दे, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फाउंड इन नेप्थलीन मॉलिक्यूल। नेप्थलीन जो कि फिनाइल की गोली आती है, ठीक है, मार्केट में मिलेंगे, इतने गोल गोल आते हैं, व्हाइट व्हाइट आते हैं, किसी कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए उस हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल की गोली, ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन।
और इस नेफ्थलीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड आप देख सकते हो, पूरे जितने मॉलिक्यूल हैं सभी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड अल्टरनेट में सिग्मा बॉन्ड का आप देख सकते हो, पाई बॉन्ड अल्टरनेट में पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड अल्टरनेट में पाई बॉन्ड के, फिर यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड अल्टरनेट में पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड अल्टरनेट में पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड अल्टरनेट में पाई बॉन्ड के, नहीं क्या? तो पूरे मॉलिक्यूल में अल्टरनेट में ये क्या था हमारे पास, पूरी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड था। अगर क्वेश्चन कर दे इसमें कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड, ठीक है, तो मैं काउंट करूँ, तो इस यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन, और मैं बता चुका हूँ कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाती है। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो कार्बन के साथ, आपको किसको दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को दिखाना पड़ेगा। तो चलो मैं इस मॉलिक्यूल्स काउंटिंग करूँ, यहाँ पे एक दो तीन बॉन्ड बना चुके हैं कार्बन, तो एक किसको दिखाओगे बाबू, हाइड्रोजन को दिखा दो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो एक दो तीन बॉन्ड बना चुकी है, चौथा कौन, हाइड्रोजन आएगा, एक दो तीन बॉन्ड बना चुकी है, चौथा कौन, हाइड्रोजन आएगा। क्यों? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध होता है, हस्बैंड और वाइफ वाला होता, नहीं क्या? हस्बैंड है तो वाइफ रहेंगे, वाइफ है तो हस्बैंड रहेंगे, ठीक। इसमें आ जाओ, एक दो तीन बॉन्ड बना चुकी है, एक चौथा है, एक दो तीन चार, यहाँ पर चार बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पर देखो एक दो तीन चार बॉन्ड, ओके बाबू, एक दो तीन चार बॉन्ड, एक दो तीन चार बॉन्ड, एक दो तीन चार बॉन्ड, एक दो तीन चार बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिखाओगे। अब आप क्या करो, इनमें से सिग्मा बॉन्ड को काउंटिंग कर लो, प्रत्येक सिग्मा बॉन्ड को, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को लोग क्या बोलेंगे बाबू, सिग्मा बोलेंगे। तो चलो हम यहाँ से क्या करते शुरू करते हैं, एक ये हुआ, दो, इनमें से तीन, चार, पाँच, इनमें से छः, ओके बाबू, एक ये हो गए सात, ओके, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, इसको काउंट नहीं करो, काउंट कर लिए, सोलह सत्रह एक अट्ठारह होगा, ठीक है। तो फिर से काउंटिंग करो, आप काउंटिंग कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर कैसे काउंटिंग किया बाबू, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इन डबल में से एक एक सिग्मा होगा, ठीक ना, और ये भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने टोटल सिंगल को काउंटिंग करना शुरू किया, इनमें से एक एक ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, इनमें से पंद्रह सोलह, ओके बाबू, इस दर्द काउंटिंग कर लिए, सत्रह अट्ठारह एक उन्नीस, फिर से मैं काउंटिंग करूँ, देखो बाबू फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे हमारे पास, 19 मिलेगा। और पाई बॉन्ड कितने नजर आएंगे, पाई बॉन्ड आपके पास इसमें तीन है, इसमें दो, फाइव पाई बॉन्ड आपके पास क्या होंगे, नजर आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं, लॉन पेयर भी काउंट कर सकते हैं, ये तभी आप कर पाओगे जब तक आप उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीटली ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और हम लोग जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके पास अपने आप आते चलेंगे। और मैं फिर से बोल दूं बाबू, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लॉन पेयर को अगर काउंट कर लेते हो तो वहाँ पर हम लोग बड़ी ही आराम से उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे मैं बताऊँगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस पर थोड़ा हल्का सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। बट मैं फिर से बोल दूँ, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग इस सिस्टम में पाई बॉन्ड को काउंट करने की आदत डालेंगे, ठीक। अब तो बात आती है कि सर आखिर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर क्या है, हमने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को तो काउंट कर लिया, ओके। मैंने ये भी बताया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके बाबू, लेकिन उसी कोवेलेंट बॉन्ड में से जितनी सिग्मा बॉन्ड था वो सिंगल, जो सिंगल बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड था, और जो डबल बॉन्ड हो वो क्या होगा, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो उनमें से एक सिग्मा होगा और बाकी क्या होंगे, पाई होगा, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड में हम लोग यहाँ पे अंतर देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार बता चुका हूँ कि साइंस, साइंस में केमिस्ट्री वो एक्सेप्शन का साइंस होता है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जहाँ पर दो एटम के बीच, दो एटम के बीच बॉन्ड तो हैं लेकिन उनमें से आपको सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलेगा, पाई बॉन्ड जरूर मिलेंगे। क्यों? चलो हम लोग थोड़ा सा इस पर क्या करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड,
यहाँ से आपके पास दो ऑब्जेक्टिव निकल कर आएगा डिफरेंस से, डिफरेंस बिटवीन difference between sigma bond and pi bond. sigma bond और pi bond में अंतर को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं. ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे, sigma bond एवं pi bond में अंतर, sigma bond एवं pi bond में अंतर. ठीक, एक तरफ क्या करोगे आप, सिग्मा बॉन्ड को लिखोगे, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे आप, पाई बॉन्ड को लिखोगे, पाई बॉन्ड. दूसरी तरफ क्या लिखोगे वो, पाई बॉन्ड. तो देखो सिग्मा बॉन्ड में पहला पॉइंट मैंने कहा कि प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे. जैसे एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है. ओके बाबू, उनमें भी अगर एक बॉन्ड है, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो उनमें से सिग्मा जरूर होगा. अगर दो एटम के बीच एक से अधिक बॉन्ड हो, ये दो एटम है, उनमें से एक से अधिक बॉन्ड हो, एक से अधिक कितने हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक से अधिक कितने हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, नहीं क्या, तो उनमें से एक सिग्मा और रेस्ट क्या होंगे, पाई बॉन्ड होगा. एक सिग्मा और रेस्ट क्या होंगे, पाई बॉन्ड. फर्स्ट में इसमें उनमें से एक सिग्मा और रेस्ट क्या होंगे, पाई. इस सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कब, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तब कैसे बनता है एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सब पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है ना, देखो अब ये बात आती है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस तीनों स्ट्रक्चर से ये कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड हमेशा, सिग्मा बॉन्ड अकेले रह सकता है, सिग्मा बॉन्ड अकेले रह सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड को होने के लिए उनमें से सिग्मा बॉन्ड को होना जरूरी है. मतलब सिग्मा बॉन्ड स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, पाई बॉन्ड को होने के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है. बिना पाई बॉन्ड, बिना सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड नहीं हो सकता. तो यहीं पर कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि बिना सिग्मा बॉन्ड बने हुए उनमें से पाई बॉन्ड बनती है. ओके, जैसे देखो तो हम लोग यहाँ से एक चीज कैलकुलेट कर लिए कि सिग्मा बॉन्ड स्वतंत्र अवस्था में हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड को होने के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है. तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिखूँ, इट मे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. हिंदी वाले बच्चों लिख लो बाबू, यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है. ठीक है, लेकिन इसको होने के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है, नहीं क्या. इट एग्जिस्ट विथ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. इट एग्जिस्ट कौन, पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ उपस्थित होते हैं. ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिखोगे, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ उपस्थित होती है. ओके, लेकिन यहीं पर आ जाओ, इसी में कहीं पर लिख लो नोट करके, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिसमें कि बिना सिग्मा बॉन्ड बने हुए पाई बॉन्ड बन जाती है ना. बिना सिग्मा बॉन्ड को बने हुए पाई बॉन्ड मिलते हैं, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे, जब मॉट पढ़ूंगा, मॉट, MOT, मॉट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा कि एक दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पर कि बिना सिग्मा बॉन्ड बने हुए पाई बॉन्ड बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड को होने के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है. लेकिन एक दो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर बिना सिग्मा बॉन्ड बने पाई बॉन्ड बन जाती है, उसी को मैं नोट करके लिखता हूं. C2 याद रखना, C2 मतलब दो कार्बन, एंड B2 मतलब बोरॉन,
सी कार्बन, बी बोरॉन। कार्बन दो कार्बन जब मिलते हैं और जब दो बोरॉन मिलते हैं तो यहाँ पे जब ये दोनों बनते हैं बाबू, इनमें से सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें से मैं इसे हिंदी में लिखता हूँ, C2 और B2, ये दोनों मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई बॉन्ड पाई जाती है, जबकि ऐसा पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाई बॉन्ड को होने के लिए सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था। तो अब कितने पाई बॉन्ड मिलेंगे? तो C2 मॉलिक्यूल में, याद रखना वो C2 मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ दो पाई बॉन्ड होते हैं, दो जो बॉन्ड होते हैं ना, दोनों क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। और B2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं एक ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। अगर इसमें बात करूं, इसमें C2, इसमें ओनली टू टू पाई बॉन्ड, इनमें से सिर्फ दोनों जो दो बॉन्ड होंगे बाबू, दोनों क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। इसमें से ये दोनों मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई जाती है, पाई जाती है, सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलता, सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई जाती। आप सेंटेंस कंप्लीट कर लोगे, मैंने लिखा इस दोनों ये दोनों मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई बॉन्ड पाई जाती है, सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई जाती है। तो कितने पाई बॉन्ड मिलेंगे? तो C2 में सिर्फ और सिर्फ जो दो बॉन्ड होते हैं, दोनों क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब उनमें से सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलेगा। और B2 में जो एक बॉन्ड होता है, हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? वो बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड ऑर्डर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बी वो बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही बॉन्ड ऑर्डर निकलती है, जब वहाँ पर बताएंगे तो मैं बताऊँगा कि देखो C2 में जो दो बॉन्ड हैं, है ना, बॉन्ड ऑर्डर जब दो आएंगे तो वो क्या होंगे? शिप पाई बॉन्ड होगा। उसी प्रकार से B2 में ओनली वन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, सिर्फ दो पाई बॉन्ड मिलेंगे, इसमें कितना? सिर्फ एक पाई बॉन्ड मिलेंगे। तो शायद इस बार या पिछले बार बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फाउंड इन C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ था एक सिग्मा एक पाई, दो सिग्मा तीन पाई, है ना, तीन सिग्मा एक पाई, ओनली ओनली टू सिग्मा ओनली टू पाई बॉन्ड्स। तो कितने बार किस में मारोगे? सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड पाई जाती है, सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलता। उसी पर से अगर क्वेश्चन पूछ दे B2 मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड मिल पाई जाती है, पहला ऑप्शन दे 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाए, 1 सिग्मा 3 पाए, अगर क्वेश्चन और चौथा ऑप्शन दे दे सिर्फ एक पाई बॉन्ड, तो कहाँ मारोगे बाबू? सिर्फ एक पाई बॉन्ड में मारना। ठीक है, चलो पहला अंतर उठा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। दूसरा अंतर इस नोट के अगला पॉइंट में लिख रहा हूं, आप इधर अगला पॉइंट लिखोगे, इधर भी अगला पॉइंट लिखोगे। देखो अब अगला पॉइंट देखो, एक एटम यहां पर है, दूसरा एटम यहां पर है, और दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आप इस एटम को पकड़ो और इस एटम को पकड़ो, ठीक है, और पकड़ कर घुमाओ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जब है तो एक एटम को स्थिर रखो, दूसरे एटम को पकड़ घुमाओगे तो आसानी से घूम जाएगा, आसानी से घूम जाए, फ्री रोटेशन, नहीं क्या? फ्री रोटेशन संभव है इस प्रकार से बाबू, इस प्रकार से। लेकिन अगर कहीं पर दो एटम के बीच इस प्रकार से दो बॉन्ड हैं, एक एटम को पकड़ो दूसरे एटम को घुमाओ, है ना, तो घूमने में अब दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप घर में भी कर सकते हो, एक एटम इधर से लेना दूसरा एटम इधर से लेना, उनमें से एक को लकड़ी लगा देना और एक को पकड़ कर दूसरे घुमाओ, देखना फ्री घूमेगा। लेकिन जब उसके बीच दो एटम दो बॉन्ड आ जाएंगे तो देखना इस प्रकार से बॉन्ड, मान लो एक मेरा फिंगर बॉन्ड है, घुमाओगे तो इस प्रकार से उसमें क्या होगा? घूमेगा तो जरूर, लेकिन टूटने की संभावना हो जाएगी, नहीं क्या? मरोड़ आ जाएंगे उसमें इस प्रकार से, नहीं क्या?
और घूमेंगे जरूर लेकिन बाधित होकर घुमा तो उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होगा, बाधित घूर्णन होगा, लेकिन जब सिंगल होंगे इस प्रकार से आराम से घूम जाएंगे। तो अगर सिंगल बॉन्ड पाए सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर फ्री रोटेशन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, ये फ्री रोटेशन होगा और यहाँ पर क्या होंगे, बाधित रोटेशन होगा। दूसरा पढ़ लिखो, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन आप हिंदी लिख सकते हो, स्वतंत्र घूर्णन होते हैं, स्वतंत्र घूर्णन होते हैं, स्वतंत्र घूर्णन, घूर्णन घूमने की संभावना, स्वतंत्र घूर्णन होते हैं यहां पर, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाधित घूर्णन, बाधित घूर्णन होती है, बाधित घूर्णन होती है। इसी फ्री रोटेशन और ये बाधित, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण हम लोग जो वहाँ पर देखेंगे आइसोमेरिज में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा लेकिन यहाँ पर नहीं बनेंगे, हालांकि ये हम लोगों की भी बहुत मंजिल दूर है। ओके बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं, हम लोग सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे क्यों। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड दान, किसके तुलना बाबू, दान, इट इज से बेटर होगा, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड दान पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड, हिंदी वाले बच्चों, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के तुलना में मजबूत होती है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के तुलना में मजबूत होती है। इधर आ जाओ, तो ये फिर क्या होंगे, कमजोर होंगे, पाई बॉन्ड इज वीकर, वीकर दान सिग्मा बॉन्ड। ओके बाबू, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के तुलना में कमजोर होती है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के तुलना में कमजोर होती है। ठीक है, देखो इस कमजोर और मजबूत से क्या मतलब हुआ, मान लिया जाए कि हम लोग इस प्रकार से मॉलिक्यूल लिए, तो इनमें से सिग्मा पाई ये पाई बॉन्ड कमजोर होंगे, ये सिग्मा मजबूत होगा। जब हम लोग रस इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बाबू, जैसे कि इनमें से अगर मान लिया कोई यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया, इस प्रकार से कोई एजेंट आ रहा है इस साथ रिएक्शन करने के लिए, इस प्रकार से कोई एजेंट आ रहा है इसके साथ अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है, तो आकर इस जब इस पर अटैक करेगा, ओके बाबू, अटैक करेंगे तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, हम मान लिए कि ये रिएक्शन इसके साथ करने आ रहा है, जब ये रिएक्शन करने आ रहा है तो उनमें से इसके घर में घुसना चाह रहा है, तो कहाँ पर घुसेगा, जहाँ पर कमजोर लोग होंगे, मजबूत लोग के घर में तो घुस नहीं पाते। उसी प्रकार से जब इसका रिएक्शन करने के लिए आएंगे तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा लेकिन सिग्मा बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत होती है और पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पर पाई बॉन्ड आसानी से क्लीवेज हो जाएगा लेकिन सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो पाएगा, हो तो जाएंगे लेकिन पाई बॉन्ड के तुलना में बहुत अधिक एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिग्मा बॉन्ड के तुलना में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं क्या, मैं फिर से बोल दूँ, एक अंतर भी लिख सकते हो, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मजबूत है, लेकिन पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिग्मा बॉन्ड के तुलना में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त वर्णन किया, डिटेल्स में नहीं देखा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे पहचाने, ओके बाबू, और उनमें से कौन स्ट्रांग होंगे, कौन पाए होंगे, कौन वीक होगा, और कितने सिग्मा और कितने पाए और कितने लॉन्ग पेयर किसी मॉलिक्यूल में मिलेंगे, उसको मैंने काउंट करने के लिए सीख लिया, ओके बाबू। तो अगर हम लोगों ने ये सीख लिया
तो अगला स्टेप हमारा जो होगा नेक्स्ट क्लास में वो हाइब्रिडाइजेशन को लेकर आएंगे, उसे जरूर देखना 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 नहीं भूलें, हालांकि देखना भूलें नहीं, किसी वीडियो का आप मत ऐसा मत करो, इग्नोर मत करो, अगर कहीं भी एक स्टेप टूटा तो अगला स्टेप आपका अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारे लेक्चर होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन को लेकर आएंगे, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन कम्प्लीट होगा हम लोग नोमेनक्लेचर में खुस जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें बच्चों, आप आज के लेक्चर को कम्प्लीट करो, आज तक के लेक्चर को कम्प्लीट कर लो, आज का नहीं पीछे से मैं जितना लेक्चर दिया हूँ ऑर्गेनिक में उन सब लेक्चर कंप्लीट करके रखो। उसके बाद और मैं फिर से बोल दूँ, अगर आपको वीडियो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करो, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल सब्सक्राइब करके क्या करो, सीधे कहाँ पर घुस जाना है आपको, कहाँ पर बाबू, प्लेलिस्ट में घुस जाओ, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो को डाला हुआ है। और चैनल कैसे सब्सक्राइब करोगे, सिंपल सिस्टम है, कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री बाय आरके सेन के नाम से सर्च करो, आपको मिल जाएगा, और जाकर प्लेलिस्ट में आप पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आर के सेन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।